हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म थैंक गॉड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे अभिषेक शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म राम सेतु के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, हम इस वीडियो में इस दोनों मूवीज़ के 5 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना, और गाइस आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर देना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म थैंक गॉड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, बात करते हैं इस मूवी के बजट की। तो गाइस, इस मूवी का बजट है 100 करोड़, और गाइस इस मूवी का वर्ल्ड वाइड 2500 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। और गाइस, इस मूवी के लीड रोल में आपको अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड रकुल प्रीत सिंह इसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे। तो फिर बात करते हैं इस मूवी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 8 करोड़ 10 लाख रुपये की ओपनिंग ली है। और गाइस, बात करते हैं इस मूवी के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। यानी कि गई जिस मूवी ने अपने शुरुआती 2 दिनों में 14 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गई जिस मूवी ने अपने तीसरे दिन बहुत ही ड्रॉप देखने को मिला, और गई जिस मूवी ने अपने तीसरे दिन 4 करोड़ 15 लाख रुपये का ही कलेक्शन किया। यानी कि गई जिस मूवी ने अपने शुरुआती 3 दिनों में 18 करोड़ 25 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गई जिस मूवी ने अपने चौथे दिन 3 करोड़ 30 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। यानी कि गई जिस मूवी ने अपने शुरुआती 4 दिनों में टोटल 21 करोड़ 55 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। यानी कि आज के दिन इस मूवी की कितनी ऑक्युपेंसी आ रही है। तो गई आज के दिन यह मूवी 4 करोड़ 50 लाख रुपये का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। यानी कि गई जिस मूवी ने अपना शुरुआती 5 दिनों में टोटल 26 करोड़ 5 लाख रुपए का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के हिट और फ्लॉप की। तो गई जिस मूवी को हिट होने के लिए 120 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके मूवी हिट साबित होगी। तो फिर बात करते हैं कि अभिषेक शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म राम सेतु के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गई जिस मूवी को रिलीज हुए आज 5 दिन हो चुके हैं, तो इसके 5 दिन के टोटल इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गई सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के बजट की। तो गई जिस मूवी का बजट है 140 करोड़, और गई जिस मूवी को वर्ल्ड वाइड 3100 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। और गई जिस मूवी के डायरेक्टर है अभिषेक शर्मा, और गई जिसके लीड रोल में आपको अक्षय कुमार, नुसरत भरूचा एंड जैकलिन फर्नांडेज जिसके लीड रोल में आपको नजर आएंगे। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस मूवी ने अपना पहले ही दिन 15 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। और गाइस, बात करते हैं इस मूवी के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 11 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। यानी कि गाइस, इस मूवी ने अपने शुरुआती 2 दिनों में 26 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, इस मूवी ने अपने तीसरे दिन बहुत ही ड्रॉप देखने को मिला, और गाइस इस मूवी ने अपने तीसरे दिन 8 करोड़ 75 लाख रुपए का ही कलेक्शन किया। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गई जिस मूवी ने अपने चौथे दिन 6 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। यानी कि गई जिस मूवी ने अपने शुरुआती 4 दिनों में 41 करोड़ 45 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। यानी कि आज के दिन इस मूवी की कितनी ऑक्युपेंसी आ रही है। तो गई आज के दिन यह मूवी टू ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 9 करोड़ रुपये का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। यानी कि गई आज के दिन इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। और गई जिस मूवी ने अपने शुरुआती 5 दिनों में टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 50 करोड़ 45 लाख रुपए का कर लिया है। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के हिट और फ्लॉप की। तो गई जिस मूवी को हिट होने के लिए 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके मूवी हिट साबित होगी। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, ये मूवी 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके एक हिट मूवी साबित हो सकती है? गाइस कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में।